पीयूष शर्मा लेफ्ट हो गया। अच्छा, टेस्ट की बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं क्या 11th में भी? तो यस मैम, मैम, इलेवेंथ मैं और नाइन्थ हमारे दोनों स्कूल में, में। मैम एंट्रेंस होता है ना, मैं हमारे स्कूल में 6th क्लास से एंट्रेंस हुआ था, तो फिर मैम उसमें सिलेक्शन हुआ तभी होता है मैम, ऐसे सिक्स नहीं का भी होता। एंट्रेंस था, कमाल हो गए, कहाँ लेके इसमें गए। मैथ्स वैसे और प्रतिभा। देखो कल वाले क्वेश्चन नोट करो। एक तो ये क्वेश्चन छुड़वाया था, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है आपको, और दिया क्या हुआ है, वन वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस थ्री, इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलती जा रही है। तो कल हमने जो सम वाले क्वेश्चंस किए थे, तुम्हें याद हो तो हमने जनरल टर्म लिखी थी, फिर उसका समेशन किया था, ऐसे ही किया था। यस यस मैम। मैम, भाई एक जनरल टर्म यस एन की मैम, फॉर्मेट में हमें मिल रही थी, उसका हम समेशन करना सीख रहे थे। तो इतना तो आइडिया तुम्हें लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे तो सम नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोई जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, उसमें फिर हम समेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो हमने कल सीखा था। तो T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है। अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा TR बताओ, तो बताओ क्या होगी TR? T1 टर्म 1 में क्या हो रहा है, एक नंबर है। टर्म 2 में 1 प्लस 2, टर्म 3 में 1 प्लस 2 प्लस 3, टर्म 4 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टर्म 5 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो टर्म R में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू R। समझ पा रहे हो? ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से है, यस मैम, ठीक है। अब ये क्या है, ये तुम्हें पता है, यहाँ पे इन्होंने R से लिख दिया, तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना, सम ऑफ फर्स्ट R नेचुरल नंबर्स की बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा, R इनटू R प्लस 1 बाय 2, आर इन तुम्हें आर ये प्लस किया, वन बाय थ्री। ठीक है। मतलब तुम्हें एक जनरल टर्म मिल गई R इनटू R प्लस 1 बाय 2। तुम्हें सम निकालना है, तो तुम सम कैसे लिखते थे, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू समेशन TR, ऐसे लिखते हो। तो इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन R इनटू R प्लस 1 अपॉन 2 R 1 टू n, लिख सकती हूँ, यस मैम, ठीक है। तो बस अब ये लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे लिखोगे अब, R इक्वल्स टू 1 टू n, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, R स्क्वायर बाय 2 प्लस R बाय 2, ठीक है। अब समेशन अलग अलग कर लो, समेशन मैम 1/2 R, पहले बाहर कर देंगे। हाँ 1 बाय 2 भी बाहर कर दो, R स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 समेशन R इक्वल्स टू 1 टू n R, ठीक है, क्लियर है। यस मैम, अब ये चीज तुम्हें पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, या जिसको बोल दो आर की जगह, चलो ऐसे नहीं समझ आता ना, तो तुम वैल्यू पुट करके देखो एक बार। 1/2, 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर, और ये जाएगा कहाँ तक वैल्यू डालनी है आर की, एन तक, तो एन स्क्वायर और प्लस 1/2। अब इसका समेशन करना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, ये तुम्हें पता है क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या था, एन इंटू में एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय में 6 2n प्लस 1/2, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका सम क्या था, एन इंटू में एन प्लस 1 बाय में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में या तो कॉमन ले लो चीजें, जैसे देखो एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है, लिख लोगे ना सिंप्लीफाई करके। तो भाई यहाँ से मान लो तुम ये कॉमन ले रहे हो, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, एन इंटू में एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 2n प्लस 1 बाय में 6, अच्छा यहाँ से क्या बच गया, 1 बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ आया? मैम उसमें 1/2 भी तो कॉमन होएगा। समीक्षा बेटा, मैंने ये कॉमन लिया, देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, ये पार्ट कॉमन लिया है, तो इधर n ओके मैम, इंटू एन प्लस वाई में प्लस 1 बाय में 2, ये कॉमन आ गया, 1 बाय 2 बच गया ना इधर, ठीक ओके मैम, है। क्लियर हुआ यस ये मैम, क्वेश्चन? मतलब इससे तुमने क्या सीखा है, इन्होंने सीरीज दे रखी है, तुमने क्या निकाला, पहले जनरल टर्म निकाल ली, उसके बाद उसमें समेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, तुम्हारा सम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, करो एक बार ट्राई, ये तुम कर सकते हो। ये बोल रहा है एस एन डिनोट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब ये एस एन किसको लिख रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, ठीक है। स्मॉल एस एन किसको डिनोट कर रहा है, देखो ये छोटा एस एन है, देखने में सेम लग रहा है, ये छोटा लिखा हुआ है। स्मॉल एस एन किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन, इसी को डिनोट कर रहा है।
ये तुम्हें पता है किसके इक्वल होता है, n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2। ये तो तुम्हें पता ही है, लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो। अब इसने ये पूछा है भाई अगर एस एन ये है तो एस आर क्या हो जाएगा, एक बात बताओ। ऐसे हो जाएगा आर इंटू में आर प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यस मैम, अच्छा स्मॉल एस एन आपका ये है तो स्मॉल एस आर क्या हो जाएगा, आर इंटू में आर प्लस 1 अपॉन में 2, ऐसे ही हो जाएगा। अपॉन 2। यस सर, अब इन दोनों को डिवाइड करके उसका समेशन लेना, पहले एक बार डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो। बी ऑप्शन। नहीं यार, तुम्हें तो मैम समेशन निकालना है, तुमने तो डिवाइड करके आर सॉल्व कर दिया होगा। देखो आर इंटू आर प्लस 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में आर प्लस 1 बाय में 2, ये पूरा ही गया, सिर्फ बच कितना मैम गया। आर इंटू आर प्लस 1/2 बचेगा। अब इसका समेशन लेना, ये पीछे तुम यही करके आए हो, इसी का समेशन लिया था पीछे, यही तो बचा था शायद, कहाँ गया, नहीं ये नहीं था, स्क्वायर था। इसका समेशन लेना है तो क्या करोगे, समेशन ले लो आर 1 टू n। कैसे करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट लिख दूं, देखना किसको समझ आ रहा है। 1 टू n आर स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n आर बाय आर, खाली आर। कितनों को समझ आई ये चीज, मैंने पहले समेशन को अंदर ले लिया, उसके बाद मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 पुट करोगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में एन इंटू में एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6, ठीक है, प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा जब तुम 1 2 3 पुट n करोगे इंटू तो, n प्लस 1/2। हाँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, सी तो ऑप्शन ही गायब कर रखा है इन्होंने, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 6, 3n प्लस 2। बताओ मेरे को ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करो इसको। मैम ऑप्शन सी। मैम नहीं समीक्षा बेटा, ए आएगा ऑप्शन। क्या हो गया, क्या ये सॉल्व करना नहीं आ रहा तुम लोगों को। n इंटू एन प्लस 1/4 कॉमन ले लो, चलो ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 1/3 प्लस 1, n इंटू में n प्लस 1/4 अंदर बच गया आपका 2n प्लस 3 अपॉन में 3, यही बचा 2n प्लस 4, सॉरी 3 नहीं 4। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर तो देखो n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, तुम 2 कॉमन लोगे ऊपर से तो नीचे 4 है, कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और एक 3 है, 2 इंटू 3 6, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, यस मैम। हाँ क्लियर है, चले आगे। अच्छा ये हम आज सेशन के एंड में करेंगे, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, तुम घूम जाओगे। एक बार ये देखो, देखो जैसे मान लो आपके ये क्वेश्चन आए हैं, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया फाइंड द सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो ये तुम देखोगे तो ये ना एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें, यस ऐसे यस मतलब मैम, सीरीज आ रही है इसमें, ना ये एपी बन रहा है ना ही ये क्या बन रहा है जीपी। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, तुम इन टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखो,
जैसे दो दो टर्म्स पकड़ो और डिफरेंस निकालो. थ्री थ्री माइनस सेवन कितना होता है? सेवन माइनस थर्टीन कितना होता है? जब तुमने ये टर्म्स का डिफरेंस निकाला तो तुम्हें क्या पता चला? ये जो नंबर है ये किसमें है? एपी में. एपी में. तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है? देखो इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट है आपका. पहली बात तो ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस अभी सिखा रही हूँ ये किस लिए काम आता है? अभी जो सीक्वेंस दे रखा था उसमें हमें अगर जनरल टर्म पता करनी हो, हम समेशन तभी करते हैं ना जब हमें जनरल टर्म पता हो, तो जनरल टर्म पता करनी हो तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं. मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या है? इफ kth डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी. kth मतलब तुमने एक बार डिफरेंस किया, तुम्हें कोई सीक्वेंस सीरीज दे रखी थी, तुमने टर्म्स का एक बार डिफरेंस किया फर्स्ट टाइम, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन. मान लो ये भी तुम्हारा किसी एपी जीपी में नहीं आ रहा, फिर तुमने क्या किया दूसरी बार डिफरेंस किया, तो उसमें k क्या हो जाएगा तुम्हारा? टू. तो वो क्या बोल देगा कि k इज इक्वल टू टू पे आपकी जीपी एपी बन रही है. तो kth डिफरेंस का मतलब समझ आ रहा है कि भाई तुमने एक बार डिफरेंस निकाला तुम्हारी एपी बन गई. के का मतलब वहां क्या, के की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला तो के की वैल्यू होगी वन. मान लो उसमें तुम्हारा एपीजीपी नहीं बन रहा हो, तुम फिर से उनमें टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उस टाइम पे वो कुछ एपीजीपी बन गया तो तुम के की वैल्यू क्या बता दोगे? टू, क्योंकि तुमने सेकेंड टाइम जब डिफरेंस निकाला तब तुम्हारी एपी या जीपी क्या होंगे? बनी है. के की वैल्यू समझ आई? मैं एक बार रिपीट कर देती प्लीज. देखो बेटा ये आपको दे रखी थी सीरीज, ये ना एपी है ना जीपी. आपने क्या किया? फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला. फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार डिफरेंस निकाला है टर्म्स का. थ्री सेवन माइनस थ्री थर्टीन माइनस सेवन ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन थर्टी वन माइनस ट्वेंटी वन. किस्मत से आपकी एपी यही बन गई, ठीक है. इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन. kth डिफरेंस का मतलब क्या है? कौन सी बार तुमने डिफरेंस निकाला है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला था तो k की वैल्यू क्या होगी? वन. मान लो तुम्हारा यहाँ पे भी एपी जीपी कुछ नहीं बनता तो तुम दोबारा से इन टर्म्स को क्या करते? डिफरेंस निकालते. हाँ, देखो टू 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 बन रहा है, ये तो तुम्हारी जीपी बन जाएगी, एपी भी बन रही है वैसे, ठीक है. लेकिन क्यों जाना है नीचे जब ऊपर वाले में ही बन गई? तो k इज इक्वल टू वन हो जाएगा. मान लो यहाँ तुम्हारा एपी जीपी नहीं बना, तुम क्या करोगे? इन टर्म्स का दोबारा से डिफरेंस निकालोगे. उस केस में तुम्हारा एपी जीपी बनेगा तो तुम k की वैल्यू क्या ले लोगे? टू ले लोगे. मतलब दूसरी बार जब तुमने डिफरेंस किया तो तुम्हारी एपी जीपी बनी है. k की वैल्यू वो लेनी है जिस टाइम तुम डिफरेंस निकाल रहे हो तुम्हारा एपी जीपी बन रहा है. यहाँ पर तुमने पहली बार डिफरेंस निकाला तुम्हारा एपी बन गया तो k की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? वन. तो अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि आपका जो जनरल टर्म होगा वो किसके इक्वल हो गया? नोट कर लो इसको, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस वन. एक बार नोट करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ आएगा तुम्हें. भाई तुमने k पता कर लिया, तुमने पहली बार डिफरेंस निकाला, तुम्हारा एपी जीपी बन गया, एपी बन गया, एपी के लिए डिस्कस करें, जीपी के लिए अलग है, एपी बन गया. उसके बाद तुमने बोल दिया k की वैल्यू वन है, तो तुम जनरल टर्म कैसे लिखोगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस वन. तो बेसिकली जब k वन आया है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू टू हो जाएगा, ठीक है. अब तुम अपना जनरल लेके चलना, जैसे इसी क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हमारी k की वैल्यू वन आई है तो tn क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन प्लस वन टू. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू तुम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो. अच्छा यहाँ पर tn है तो x मत लिखना, n में लेके चलना सारी चीजें. ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी ऐसे ही लिखते हो? यस मैम. ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो गया? अभी देखो निकला नहीं है, ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. फायदा क्या हुआ कि तुम टी वन निकालो, टी वन निकालो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा. टी वन दे कितना रखा है? टर्म वन क्या है? थ्री के. टी टू निकालो, टी टू क्या होगा? जब तुम टू पुट करोगे तो फोर ए प्लस में टू बी प्लस सी इज इक्वल टू. टी टू कितना है? टर्म सेकंड कितनी है? सेवन. टर्म नंबर थ्री क्या हो जाएगा? थ्री थ्री जा नाइन, नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू. टर्म नंबर थ्री कितनी है? थर्टी. बताओ यहां तक समझ आई? मैंने एन की वैल्यूज पुट की है. अब तुम्हें तीन इक्वेशन मिल गई, तीन वेरिएबल है, इनको सॉल्व करके एबीसी नहीं निकल सकता क्या? निकल सकता है.
तुम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, मान लो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाली माइनस करूँ, तो देखो यही बनेगा 3a+b इज इक्वल्स टू 4, यस और नो? समझ नहीं आया मैम, क्या नहीं समझ आ रहा बेटा, बताओ कहाँ से नहीं ये आया? जो अपने टी की वैल्यू निकाली है मैंने ये लिख दिया इनिशियली टी tn, की वैल्यू से। हाँ tn इज इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ तुम t1 निकालो, 1 कैसे निकालोगे? t n की जगह 1 पुट करोगे तो t1, यहाँ n की जगह 1 पुट करोगे तो a, इधर 1 पुट करोगे तो b और प्लस c। t1 मतलब टर्म नंबर 1 की बात कर रहा है, तुम्हारे सीरीज में टर्म नंबर 1 3 है, तुमने इसके किसके इक्वल पुट कर दिया। यस मैम, टी टू कैसे निकालोगे? एन की वैल्यू 2 पुट करो, इधर 2 पुट करो तो 2 2 4 4 a, इधर 2 पुट करो तो 2 b और प्लस c, टर्म 2 निकल गया। ऐसे तुम्हारी सीरीज में टर्म 2 क्या है? 7। ठीक है, इस तरीके से निकालना। अभी समझ आया? यस मैम, यस मैम, समझ में आया। अच्छा, ये दोनों मैंने सॉल्व करके ना ये निकाल लिया, 3a+b इज इक्वल टू 4। सेम आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, नीचे वाले में से ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बनेगा? 5a+b इज इक्वल टू 13 - 7, 6। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर लो। ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल गई? ए की वैल्यू -2a इज इक्वल्स टू -2, ए की वैल्यू तो 1 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 है तो बी कितना आ जाएगा? बी भी 1 ही आ जाएगा। यस मैम, ए भी 1 आ गया तो इधर पुट कर दो, सी भी 1 ही आ गया। ठीक है, ये तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, तीन इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से तुम्हें सॉल्व करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू 1 आ गई, तो तुम्हारी टी एन ये थी। क्या तुम्हें टी एन की वैल्यू मिल गई? क्या मिली टी एन की वैल्यू? देखो टी एन था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एन वन। स्क्वायर प्लस एन तो प्लस वन। तुम्हारी जनरल टर्म की वैल्यू आ गई। जनरल टर्म की वैल्यू आती ही तुम्हें समेशन निकालना है। एस एन क्या हो जाएगा? समेशन टी एन, इसका समेशन कर दो। ये तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका समेशन कैसे करना है, कैसे करना है? समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन प्लस समेशन यस वन, ये क्या हो जाएगा? एन इंटू में एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये क्या हो यस जाएगा? एन इंटू में एन प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा? टू प्लस एन। ये आपका क्या हो जाएगा फाइन। आंसर? क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, ठीक है। मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस में तुम क्या करो, देखो मैं इसका एक और मेथड बताऊंगी, बट ये आसान है मेथड जो मैं बता रही हूँ। अभी के लिए एक बार ये ध्यान रखो, एक और मेथड बताऊंगी इसका, दो और बताऊंगी, एक और नहीं दो और बताऊंगी। दूसरा मेथड भी चलो देख ही लो। पहले बताओ इसमें तुम्हें कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है? भाई हमने टीएन निकाला है, मैम एक ये ये तो रेड वाला फॉर्मूला ही टू है बना मैथ, रही थी। रेड वाला होम बेटा। मैंने तीन इक्वेशन है तो दो दो में से ना सी को एलिमिनेट कर लिया, और उसके बाद ए और बी ने इक्वेशन छोड़ दी। इसमें मैंने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली माइनस कर दी, तो 4a - a कितना हो जाएगा? 3a। 2b - b, b और c - c तो 0 ही हो जाएगा। 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों में से मैंने c एलिमिनेट करवा दिया, मैंने नीचे वाले में से ऊपर वाले माइनस कर दी, तो मेरा 5a+b इज इक्वल टू 6 बन गया। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल्स हैं, माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आते ही मैंने इसमें पुट कर दी, मेरी b की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू आते ही मैंने इसमें पुट कर दी, c की वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू 1 निकल गई। क्लियर है? यस मैम, ठीक है, ये मेथड था आपका मेथड ऑफ डिफरेंस। इसी तरीके से हम जीपी भी निकालेंगे, बट एक बार इसी में आप दूसरा मेथड देख लो। ठीक है, मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो सेकंड थोड़ा लेंदी है, 3, 7, 13, 21, 31। थ्री सेवन थर्टीन, अगला क्या था? 21 और 31, यही था ना? आपको इसका सम निकालना है, तो सम को ऐसे लिखते हो, एस इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, भाई सबका सम कर दो, ऐसे ही लिखते हो। अच्छा, नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, एस इज इक्वल टू, अगर मैं एक टर्म आगे करके लिख रही हूँ, मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या तो बताओ। बोलो, नो मैम, देखो यहाँ पर मेंशन भी कर लो, हम लोग एन टर्म्स तक की बात करें, एक बार मेंशन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन टर्म्स तक की बात होगी। तो एक बात बताओ, एनथ टर्म आपकी टी एन होती है? एनथ टर्म आपकी टी एन होती है, मान लो टी एन यहीं कहीं था, तो नेक्स्ट वाले केस में टी एन आगे आएगा, इधर तो क्या आएगा, टी एन माइनस वन,
क्योंकि हमने एक आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब पहले थ्री यहां से स्टार्ट हो रहा था, हमने एक स्टेप आगे से स्टार्ट किया, तो टी एन सरक जाएगा एक नंबर आगे, सरकेगा कि नहीं सरकेगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 2s इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 3 एज इट इज है, 7 प्लस 3 10, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 13 34, 31 प्लस 21 52, 52, 52, और इसी तरीके से चलता जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं देखो ऐड करने में तो काम नहीं बन रहा ना, माइनस करना पड़ेगा, रुको ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, माइनस करो भाई इसको, माइनस करो एक बार, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, 4, 13 माइनस 7, 6, 6 होता है, 21 माइनस 13, 8, ठीक है, 31 माइनस 21, 10, इस आगे जो यहाँ लिखो, 10 माइनस tn माइनस 1 और एक आपका माइनस tn आ जाएगा, आएगा ना, समझ रहे हो ना, नीचे वाले सबके साइन चेंज होंगे, समझ आई ये चीज, मैंने माइनस किया है बस इन दोनों को, अच्छा माइनस करूंगी तो ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, पहले मैंने 2s लिख दिया इसको, ऐड कर दी ना पहले तो मैं, अब तो मैं s में से s माइनस कर रही हूं, जीरो हो जाएगा। अब तुम्हें नोट क्या करना है, ये चीज तो हमें निकालनी है, हमें जनरल टर्म निकालनी थी, इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो tn क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अप टू tn माइनस tn माइनस 1। एक बात बताओ, इस 3 को एक बार भूल जाओ, ये क्या बन रहा है, एपी बन रही है, 4, 6, 8, 10 बन रही है एपी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, अब तुम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये देख लो कि तुमने ये चीज यहाँ से सॉल्व करके निकाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं बेटा एन टोटल थी ओम, बेटा एन टोटल थी, तुमने ये तो लिया ही नहीं है, 7 से tn तक जा रहे हो तो n माइनस 1 टर्म्स होगी ना, हाँ यस मैम, ठीक है n माइनस 1 टर्म्स होगी, तो अगर मैं इसका सम पूछूं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाय 2, 2a मतलब 8 प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 माइनस 1 इनटू d, d कितना है, यही आएगा, अरे n बाय 2 इनटू में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d वाला कांसेप्ट लगाया मैंने, यस मैम, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एपी बन रहा है आपका, इसमें लगा दिया तो क्या बन गया, एन माइनस वन बाय में टू, अच्छा यहाँ पे सॉल्व करो एक बार, ये बनेगा 8, एन माइनस टू बनेगा तो 2n माइनस 2 यही बनेगा, एन माइनस वन बाय में टू ये बन गया 6 प्लस 2n, ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 1, 2 कॉमन होंगे तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो 3 प्लस n बच गया, सही है, yes, ma'am. ठीक है, ये तो मेरा आंसर निकला है इसका, एक थ्री भी तो था ना साथ में, तो टी एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, थ्री प्लस में थ्री प्लस एन इंटू में एन माइनस वन, बताओ लिख सकती हूँ, यस मैम, इसको सॉल्व करो एक बार कितना आ रहा है, थ्री प्लस में थ्री एन माइनस थ्री प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये तो गया तो कितना बन गया, ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस थ्री एन, ठीक है ये बन गया, बना कि नहीं बना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया, चेक करो क्या किया है, एग्जैक्ट बनना चाहिए था, मैम यहाँ पे 4 आएगा, आपने 2 दे रखा है ऊपर, कहाँ पे, अच्छा डीजी वैल्यू में नहीं, मैम -1 -1 -2 -2 × 2 -4 होना चाहिए ना, ये सिर्फ -4 होएगा, 8 प्लस 2n -4, ठीक है 2n माइनस, ठीक है तो 8 माइनस 4 4 बचेगा, 4 प्लस 2 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 प्लस n, अब निकालना tn कितना आ रहा है, n माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस n तो हो जाएगा, अच्छा इसमें 3 भी ऐड करना है, 3 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n, ठीक है ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये आ गई आपकी टी एन, यस मैम, ठीक है एक बार देखना पीछे जो तुमने टी एन निकाली थी यही थी क्या, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन यही निकली है, यही निकली है, ठीक है समझ आया मैम, ये थोड़ा लेंथी भी पड़ गया,
नहीं ये मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, बट अब तुम्हें पता चल गया भाई डिफरेंस करके तुम्हारी एपी बनेगी वहां, तो क्या ही बेटा वो तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, इसलिए टाइम लग रहा है। इससे छोटा यस भी एक मैडम, बताऊंगी अभी, बट ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम सबको अगर अपने किसी। यहाँ पे अपने हाँ बोलो। यहाँ पे एंड में ये ब्रैकेट ओपन करके इसमें 3 ऐड किया है ना। हाँ देखो क्योंकि इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो हम सॉल्व कर रहे थे ना ये पार्ट इतना था बेटा 4 से लेकर यहाँ तक का, एक ये 3 मैंने लिया नहीं था क्योंकि ये तो आपका एपी में कुछ मतलब इनपुट दे ही नहीं रहा ना, ये एपी तो आपकी यहाँ से बन रही है, तो यहीं पे मैं फॉर्मा लगा सकती हूँ n/2 into 2a + n-1 into d। तो इन सबका सम तो मैंने फॉर्मुला यूज करके निकाल लिया एपी वाला, और बाद में जाके लास्ट में 3 ऐड कर दिया। ठीक क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चले आगे। अब एक बार जीपी का और समझ लो। देखो जीपी में क्या है, ये चीज याद रखना, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या है, अगर ऐसी कोई सीरीज तुम्हें मिले जिसमें तुम डिफरेंस करके निकाल रहे हो एपी बन रहे हो, तो उसमें जनरल टर्म क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k+1। अब जीपी में क्या हो जाएगा, जीपी का नोट कर लो। जैसे मान लो ये सीरीज आपको दे रखी है, माइनस करके देखो इसमें क्या बन रहा है। मैम 3, 6, 12। हाँ तो वो क्या बन रहा है वो बताओ ना, जीपी थ्री बन रही सिक्स है? ट्वेल्व जीपी, थर्टी जीपी फोर मैम। जीपी बन रही है ना? हाँ यस मैम, ठीक है जीपी बन रही है, तो उस केस में आपको अब कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नोट करना है। एक बार नोट कर लो, एक सेकेंड। देखो फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n-1 प्लस में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। अच्छा पीछे वाले केस में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, k+1 था वहां पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k-1। अब ये जो r है ये क्या है, एक बार तुम माइनस करो इसको, 1, 4 - 1 3 आ रहा था, 6 आ रहा था, फिर 12 आ रहा था, और 46, ये 24 आना चाहिए। ठीक है फोर यही आएगा, ये जीपी में बन रहा है। पहली बात तो तुमने पहला डिफरेंस किया और जीपी बन गया, इसका मतलब के की वैल्यू तो क्या है 1। ठीक है वन आर क्या है, जो ये जीपी बन रही है इसमें कॉमन रेशियो क्या है वो चेक करो। वन बाय टू 1/2 है, मैम, टू टू 2। ठीक है तो आर की वैल्यू 2 है, क्लियर है? ठीक है यस यस मैम। मैम। ये पुट कर दो इसमें, देखो जरा पुट करो एक बार, आर की वैल्यू 2 n-1 प्लस में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k-1। k 1 बता दिया तो k-1 तो 0 ही हो गया, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होएगा, कुछ भी एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दो। जीरो नहीं 0 नहीं यस बेटा, मैम, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है तो इतना रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। अब तुम्हें यस क्या मैम, करना है यस इसमें, मैम। ए बी और एन की वैल्यू निकाल। एन की तो खैर वैल्यू तुम पुट करोगे, तुम्हें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो वो भी फिर वैसे ही निकालोगे। एन को 1 पुट करो तो क्या आएगा, देखो ए ये 0 + b यही बनेगा, तो a+b हो गया। ये तो n की वैल्यू 2 यस पुट मैम, करोगे तो देखो 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 2a+b। ठीक है t1 आपका क्या है, 1 है, ये 1 के इक्वल है। t2 है 2a+b, 2a+b, और ये किसके इक्वल है, सेकंड टर्म आपकी 4 के इक्वल है। बस टू इसको के सॉल्व कर लो। अब कितना आ जाएगा, देखो -a = -3, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3। a की थ्री वैल्यू 3 है तो यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। हाँ -2। ठीक है इसका मतलब जो तुम्हारी जनरल टर्म थी वो क्या बन गई, 3 2 की पावर n-1 प्लस -2 यही बन गई, यस मैम, ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करोगे, तुम्हें सम निकालना, समेशन ले लो। समेशन लोगे तो ऐसे आएगा, देखो मैं अलग अलग चलो पहले लिख ही देती हूँ, 3 into 2 की पावर n-1 - 2। ठीक है यही आएगा। अब समेशन को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, समेशन 3 कांस्टेंट है बाहर ही निकालो, 2 की पावर n-1 - समेशन 2। ये तो तुम्हें पता ही है 2n देगा, ये क्या देगा ये देखना है तुम्हें। अब पुट करके देख लो वैल्यूज, करो एक बार पुट। 3 जैसे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 - 1 0, तो 2 की पावर 0 1 होता है, प्लस
टू पुट करोगे तो टू, थ्री टू पुट करोगे तो फोर, फोर एट फोर पुट करोगे तो एट, ऐसे ही जाएगा, ठीक यस मैम है, तो यस मैम चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये एन माइनस एन? चलो लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख लेना। अब देखो यहाँ एक बात बताओ, ये वन है मतलब टू की पावर जीरो लिख सकते हैं इसको, ये टू की पावर वन है, ये टू की पावर टू है, ये टू की पावर थ्री है कि नहीं है? यस यस मैम ठीक है, लास्ट टर्म लिख लो, टू की पावर एन माइनस वन ही है, जब एन को एन पुट करोगे यस तो टू की मैम पावर एन माइनस वन ही आएगा, तो ये क्या बन गया? एपी नहीं ओम बेटा, ये एपी बना है, चेक करो, ये एपी है। मैम जीपी जीपी हाँ हर टर्म में क्या हो रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, टू की पावर जीरो थी फिर टू की पावर वन, टू की पावर टू, तो क्या हो रहा है हर टर्म में मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है, इसका मतलब ये जीपी बन गया। ठीक है, तो जीपी का सम कैसे लिखते हो, एक बार इसको लिख लो, ये मैंने लिखा क्या हुआ, देखो थ्री टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री अप टू टू की पावर एन माइनस वन, और प्लस आपका टू एन तो है ही, ये टू एन तो सबको समझ आ गया होगा ना कहाँ से आया है, इधर से आया है समेशन यस टू के। मैम ठीक है, अब इसका सम बताओ कैसे लिखोगे, पहले माइनस बात होगा तो ना फाइनाइट टर्म्स है, क्या माइनस होएगा? हाँ माइनस है, फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स है, जीपी में है, सम का फॉर्मूला क्या होता था, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यही होता था। ठीक है क्लियर है, यस मैम यस मैम बताओ फिर क्या होगा। अरे सम बताओ, एन कितनी है, टर्म्स कितनी है यहाँ पे, एक बात बताओ, जीरो एन से लेकर माइनस एन वन माइनस टर्म्स वन है। नहीं, समीक्षा बेटा जीरो से लेकर एन माइनस वन तक है, अगर वन से लेकर एन माइनस वन तक होती तो एन माइनस वन टर्म्स होती, एक जीरो भी है तो कितनी टर्म्स होगी टोटल, एन प्लस वन एन प्लस वन, नहीं एन प्लस वन एन होगी, एन प्लस वन कैसे होगी बेटा, एन माइनस वन यहाँ से यहाँ तक थी, उसमें एक और ऐड कर रहे हो, तो एन माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, एन ही हो गया। हाँ यस मैम ठीक है, तो टर्म्स कितनी है यहाँ पे, एन टर्म्स है, फॉर्मूला लगा दो क्या होता है, ए की पावर एन, ए क्या है, ए तो वन ही है तुम्हारा, यस मैम यस मैम नहीं ए तो वन है उसकी कोई दिक्कत नहीं, आर की पावर एन, आर टू है तो टू की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, आर कितना है टू, टू माइनस वन, ठीक है यहाँ से तो आपको ये मिला माइनस टू एन, ठीक है क्या बन गया ये, देखो नीचे टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कर लोगे इसको, थोड़ा और खोल के लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, थ्री इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री माइनस टू एन, ठीक है समझ आ गया। यस मैम ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल सीरीज थी आपकी, मतलब एडिशन में दे रखी है, आपको पता नहीं चल रहा जनरल टर्म इसकी क्या है, तो अगर मान लो आप डिफरेंस कर रहे हो और एपी में आ रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, टीएन का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन स्क्वायर के प्लस एन प्लस प्लस वन, वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के प्लस वन, मतलब के जरूरी नहीं है वन ही आए हर बार, तुम मान लो दूसरी बार माइनस कर रहे हो तो तब ए पी बन जाए, तो तुम्हें के की वैल्यू टू लेनी है। ठीक है, और जीपी में क्या आएगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के माइनस वन, ठीक है के माइनस वन कर लोगे, फिर टी एन लिखने के यस बाद मैम तुम्हें क्या देखना है, तुम वैल्यूज पुट करो एन की, वन टू थ्री इक्वेशंस बनेंगी, वहां से ए और बी की वैल्यू निकालो, वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, जनरल टर्म मिल जाएगी, जनरल टर्म मिलते ही तुम्हें क्या करना है, समेशन करना है, ठीक है क्लियर है? यस मैम ठीक है अब तुम्हें तीसरा मेथड सीखने की भी इच्छा बची हुई है क्या, है तो बताओ, इच्छा तो कराऊं, सच बोली हाँ सच बोल रही हाँ हूँ, मैम है तीसरा मेथड भी करने की इच्छा बची हुई है, ये पूरा दोनों क्लियर है, देखो थर्ड भी बता देती हूँ। हाँ मैम ये लिप्स क्लियर है पूरे देखो अगर मान लो आपको पहले वाला एग्जांपल लेके मैं चलती हूँ, 13, 21 और 31, ठीक है कौन कर रहा है बेटा, हैंड रेज पूछ लो बेटा प्रॉब्लम, माधव हाँ माधव बोलो, नहीं है हाँ देखो मैम दूसरा क्या है,
क्या आ रहा था इसका जब तुम सब्ट्रैक्ट करते? फोर, फोर सिक्स एट सिक्स टेन, एट टेन, टू टू टू। ये तो 0-0 हो गया। ठीक है, तुम्हें अब क्या करना है? मतलब मैंने डिफरेंस निकाल ली, बार 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 0 तक तो पहुंच गई मैं। फोकस करो इस पे। ठीक है, ये तो 0 ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब तुम क्या करो, 3 3 4 2 लिख लिया। ठीक है, 3 के साथ तो कुछ यस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 के साथ क्या लगाओगे? एन माइनस वन अपॉन में 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है तुम्हें क्या होता है? नो मैम, नहीं पता? रुको, मैं नो बता, एक बार के लिए फॉर्मुला नोट करो, मैं बताती हूँ। कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान है। सेकंड में क्या आएगा? एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में 2 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको कोई बोले कि आप 2 फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या करना, 2 से स्टार्ट होना, 1 तक मल्टीप्लाई कर देना पीछे वाले जितने भी टर्म्स हैं। अब 2 के बाद तो 1 ही आता, रुक जाओ। 5 फैक्टोरियल कोई बोले तो 5 से स्टार्ट होना, 4 × 3 × 2 × 1, 1 पे स्टॉप हो जाओ। 10 फैक्टोरियल कोई बोले तो कैसे लिखोगे? 10 × 9 × 8 × 7, मतलब उल्टी तरफ गिनती कर दो 1 तक। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम, ये कॉन्सेप्ट देखा था मैंने बुक में। क्लियर है? फैक्टोरियल बहुत आसान है, मतलब यस जिस भी मैम, चीज का फैक्टोरियल निकालने को बोल रहा है वहां से शुरू करके उल्टी गिनती शुरू कर दो 1 तक, सारे मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट, मतलब शॉर्ट है, मतलब इसका मेथड करने का। भाई 3 तो एज इट इज रखा, 4 वाले के साथ मैंने n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो देखो 1 ही होता है, 1 के पीछे 1 काउंटिंग करो तो 1 ही होता है, 1 × 1 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 3 + 4 × n − 1 + 2 × n − 1 × n − 2। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2, 2 से 2 गया तो बच क्या गया? 3 + 4 × n − 1 प्लस n − 1 × n − 2। सॉल्व करो इसको एक बार, 4n − 4 + n² − 2n − n + 2, क्या क्या बच गया? n स्क्वायर, 4n − 2n − n, तो ये तो हो गया प्लस n। ठीक है, थ्री एन माइनस फोर माइनस वन प्लस 2 + 1, तो ये वही आ गया प्लस जो वन। तुम्हारे पीछे बनी थी, tn, यही बनी यस थी मैम, n² हाँ प्लस n + 1। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो बता दो, तुम्हें वैसे यही मैं अच्छा लग रहा फैक्टोरियल होगा। वाला जो है, इसकी ये वैल्यू अलग वाला होगी ना? क्या हो गया? नहीं मैं फैक्टोरियल तो मैम इधर जैसे 1 है यहाँ पर, तो और भी कोई वैल्यू भी हो सकती है फैक्टोरियल की यहाँ पर। नहीं 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। नहीं, ये 1 फैक्टोरियल ही होना चाहिए यहाँ पे, इधर 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, और इधर नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? इधर n − 1 था, तो इधर क्या हो रहा है? n − 1 × n − 2, एक और माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। और अपॉन में 2 फैक्टोरियल मैम। हाँ, अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर लोगे? एक बार थोड़ा यस सा मैम, रिवाइज करवा देते। देखो मैंने तुम्हें 3 मेथड्स बताए हैं। पहला तो था आपका क्या भाई, आपको इस तरीके की सीरीज मिल जाए जिसमें तुम्हें ना एपी दिख रहा है ना जीपी दिख रहा है, बट तुम डिफरेंस करके देख रहे हो, तो तुम्हें एपी मिल गया, ठीक है, या जीपी मिल गया, तो उसमें तुम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज कर सकते हो। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? मान लो तुम्हें फर्स्ट डिफरेंस करने पे एपी मिल गया, तो के की वैल्यू 1 है, तो बोलेगा जनरल टर्म क्या होगी? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के प्लस 1। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, इस केस में अपनी 1 थी तो मैंने 1 पुट कर दिया, फिर मेरा ये पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल बनने के बाद मेरे को एबीसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एबीसी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, एन की वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर दी। 1 पुट की मेरी एक इक्वेशन बनी, 2 पुट की मेरी एक इक्वेशन बनी, 3 पुट की मेरी एक और इक्वेशन बनी। T1 हमें क्वेश्चन में भी पता है, T1 3 है, T2 7 है, T3 13 है, इक्वेट कर दिया, 3 इक्वेशन बन गई। एबीसी की वैल्यू आप 3 इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हो। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ पुट कर दी, मेरे को क्या मिल गई? जनरल टर्म मिल गई। जनरल टर्म मिलते ही मैंने क्या कर दिया, समेशन मेरे को करना आता है, समेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने इनको समेशन बता दिया। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, जीपी में करना है, जब आपकी टर्म्स जीपी बना रही हो सब्ट्रैक्ट करने पर। जीपी में बस फर्क कितना हो जाएगा कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? a × r की पावर n − 1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k − 1, जहां पर a और b की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है। r क्या है यहाँ पर? जो तुम्हारी जीपी बनी है उसका जो भी कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है? r। ठीक है, तो तुम्हारी जनरल टर्म ये बन गई जैसे तुमने r की वैल्यू डाली। उसके बाद तुमने फिर n की वैल्यू 1 डालनी है, 2 डालनी है, 2 इक्वेशन काफी थी, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो 2 वैल्यूज डाली n की, 1 और 2, तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई। यहाँ से तुम्हें ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए और बी की वैल्यू मिलते ही तुमने इसमें पुट कर दी, तुम्हें जनरल टर्म मिल गई। जनरल टर्म मिलने के बाद तुमने क्या कर दिया? उसका समेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था?
एक ये शॉर्ट मेथड बताया है, ये तो देख लेना। एक एक मेथड और बताया था ना, शिफ्टिंग वाला, कहाँ गया ये रहा। शिफ्टिंग वाले मेथड में क्या है भाई, तुम्हें इन सब टर्म्स का सम करना है। टीएन तक मान लिया मैंने, लास्ट टर्म मान लिया टीएन, तो एस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा सम लिखा, बट मैंने एक टर्म आगे खिसका के लिख दिया। बात तो वही है, सम तो चेंज होना नहीं, बेशक थोड़ा एक टर्म आगे करके लिख दो या एक टर्म पीछे करके लिख दो, खिसका दिया तो मेरी टीएन तो एक नंबर आगे चलेगी, पीछे क्या आ जाएगी इससे, टीएन माइनस वन। इन सबको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे जीरो मिलेगा, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं, एज इट इज उतर गया। 7 - 3 = 4, 13 - 7 = 6, 21 - 13 = 8, 31 - 21 = 10, ठीक है। इस तरीके से जाते जाते लास्ट में मेरा बच गया माइनस टीएन। ये टर्म्स कितनी है ये आपको देखना है, ये आपको पता चल गया भाई एन माइनस वन टर्म्स है। ये क्या बना रही है, एपी बना रही है। इसको एक बार के लिए सेम ही रखो, क्योंकि ये मेरे को एपी में इनपुट दे नहीं रहा है, एपी में प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, एपी तो बना नहीं रहा है। 4, 6, 8, 10 आपकी एपी बना रहे हैं। इस टीएन की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, जनरल टर्म की वैल्यू मुझे चाहिए थी, इसको मैं ले गई लेफ्ट में, तो मेरा टीएन आ गया। यहाँ से यहाँ तक मेरे को सम निकालना था, तो मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, क्योंकि ये नंबर एपी में है, ठीक है। इनमें सम निकाल लिया मेरा, आया सम ये एन माइनस वन इंटू टू प्लस एन, इनका सम आया मेरा ये। इसमें एक थ्री और ऐड कर दो, टीएन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैंने थ्री को ऐड कर दिया, मेरी टीएन की वैल्यू मिल गई। इसके बाद एक स्टेप और क्या करोगे, ये टीएन मिल गया तो इसका समेशन कर देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर है यस मैम सबको, चलूं आगे। यस मैम ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, एजीपी। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था ना, एजीपी। एक बच्चा पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, पीयूष पूछ रहा था शायद, या जतिन पूछ रहा था, एजीपी क्या होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो किसी भी सीरीज को एजीपी कब बोलोगे, जब तुम्हें दिख रहा हो वहां पर एपी भी बन रही है और जीपी भी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एपी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये मैंने एपी ले ली। एक जीपी ले लो क्या, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव ले सकती हूँ, ये जीपी है। यस मैम हाँ भाई, हर टर्म में एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मैं एक नई सीक्वेंस या सीक्वेंस क्रिएट कर रही हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, एक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब ठीक है, ये चलता जाएगा ऐसे। इसको क्या बोलोगे आप, एजीपी। अब क्यों बोल रही हूँ मैं एजीपी, देखना जरा एक बार। यहाँ तुम्हें एपी भी दिख रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 दिख रही है एपी, ये नंबर्स एपी में है। यस मैम ठीक है। अच्छा एजीपी में, ये सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी सीरीज एजीपी कब होती है, जब वहां पे तुम्हें दिख जाए भाई एपी में भी है टर्म्स और जीपी में भी है टर्म्स। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। तो मतलब तुम्हें एक ही सीरीज में एपी भी दिख गई, जीपी भी दिख गई, दिख गई ना। ऐसी सीरीज को क्या बोलोगे, एजीपी। तो यहाँ से तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि जो जनरल टर्म है एजीपी वाली, वो एपी और जीपी वाली जो जनरल टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन ही है। यस मैम हाँ भाई, अगर मैं टी फोर की बात कर रही हूँ, तो टी फोर में ये टर्म थी आपकी एपी में, और जीपी में कौन सी थी, ये वाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने 4x4 लिख दिया, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि वहां की फोर्थ और जीपी वाली फोर्थ मल्टीप्लाई करके मेरे को एजीपी की फोर्थ मिल गई। यस मैम हाँ ठीक है। तो ये तो वैसे बेसिक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं ऐसा सम के लिए नहीं लिख सकती, ठीक है, सम के लिए नहीं लिख सकती, ये सिर्फ जनरल टर्म के लिए है कि भाई अगर मैं एजीपी की फोर्थ टर्म की बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आ जाएगी ये थॉट, मैंने एपी की फोर्थ टर्म और जीपी की फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब वो तुमसे पूछेंगे, देखो ये सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, ये सीरीज है, तो वो ऑब्वियसली क्या पूछेंगे तुमसे, इसका सम पूछेंगे। तो सम कैसे निकालोगे, देखो इसका मेथड है, मेथड नोट कर लो, ठीक है। मान लो आपको दे रखी है एक एजीपी, 1 + 2x + 3x² जो अभी पीछे थी ना वही है, 4x³ + 5x² इस तरीके से चल रहा है, इसका आपको सम निकालना है। स्टेप वन क्या है, देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, जो जीपी बना रही है उसमें कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, जो टर्म जीपी बना रही है कॉमन, हाँ एक्स है, कॉमन रेशियो क्या है,
देखो ना यहाँ पे, यहाँ तो x की पावर 0 थी, 1 हो गई, 2 हो गई, तो ये टर्म्स तुम्हारी जीपी बना रही हैं, तो कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, x है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस कॉमन रेशियो से तुम क्या करो, इस s को मल्टीप्लाई कर दो, और किस तरीके से करना है एक बार इसको दोबारा लिखो, देखो जो ऊपर लिखा हुआ है इसको दोबारा लिखो, 1 + 2x + 3x² कॉमन रेशियो x कैसे आई बेटा, ये सिर्फ जीपी वाली टर्म्स की बोल रही हूँ मैं, ये वाली टर्म्स जीपी बना रही है ना, ये वाले नंबर्स, यस मैम, x x मतलब x की पावर 0, x की पावर 1, x² x³, ये सब जीपी बन रहे हैं, का कॉमन रेशियो है। हाँ, ये सिर्फ जो जीपी बन रही है, जो नंबर्स जीपी बना रहे हैं ना, उनका कॉमन रेशियो देखना, पूरी पूरी टर्म का नहीं देखना आपको, पूरी पूरी टर्म तो जीपी बना ही नहीं रही है, ये क्या जीपी बन रहा है, क्या नहीं बन रहा जीपी, सिर्फ जो टर्म्स जीपी बना रही है वहां पे आपको कॉमन रेशियो चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये कॉमन रेशियो तुम इस एस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो एक्स एस हो जाएगा। अब तुम राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करोगे, बट तुम्हें लिखना कैसे है, एक स्टेप छोड़ के, एक स्टेप आगे से स्टार्ट करना है, तुम मल्टीप्लाई करो एक बार, ये बेसिकली 1 लिखा हुआ था, x की पावर 0 से तुम कंफ्यूज मत होना, एक बार इसके लिए हटाई दो, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 में x मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, बट मैं वो 1 के नीचे नहीं लिखूंगी, मैं कहां लिखूंगी, एक स्टेप आगे। सेकंड, 2x में अगर मैं x मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 2x² ठीक है, फिर आएगा 3x³ 4x³। अब तुम इनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, जैसे ही तुम सबट्रैक्ट करोगे तो यहां तो क्या आएगा, 1 - x * s, मैम यहाँ पे समीशन है ना, जो 1 तो एज इट इज है पड़े रहने दो, 2x - x क्या हो जाएगा, x x 3x² - 2x² x² 4x³ - 3x³ x4 x5। फायदा क्या हुआ, अब ये क्या बन रहा है, ये प्योर जीपी है कि नहीं है, यस मैम, प्योर जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम तुम्हें पता है क्या होता है, a into r plus 1 upon infinite, r infinite, बेटा a upon में 1 minus r, सब उल्टा बोल रहे हो, a upon में 1 minus r, तो 1 minus x, तो basically 1 minus x into s की वैल्यू आ गई 1 minus x, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1 minus x का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है आंसर, तो मेथड समझ आया हम कर क्या रहे हैं, यस मैम, ठीक है। क्या किया हमने, पहले तो हमने नोट किया भाई ये एजीपी, ये सीरीज जो है एजीपी है, इसमें तुम्हें जो मैं जीपी भी दिख रही है और तुम्हें एपी भी दिख रही है, फिर तुमने क्या किया, जो नंबर जीपी बना रहे हैं वहां से तुमने कॉमन रेशियो देख लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में तुमने इस सम में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और लिखा किस तरीके से, एक स्टेप आगे करके लिख दिया, वो फायदा क्या हुआ तुम्हें दिख गया होगा, ये जो हमने एक स्टेप आगे लिखा है तो देखो सेम सेम आ गया ना, तो माइनस होके ये तुम्हारा जीपी क्रिएट हो गया, समझ आया हमने एक स्टेप आगे क्यों लिखा है, यस मैम, ठीक है, यस मैम। तो ये तो था इनफाइनाइट के लिए, क्या तुम n टर्म्स के लिए प्रूव कर सकते हो क्या, अब मैम यहाँ पे आपने 1 माइनस x का सम क्यों लिया, यस मैम कर सकते हैं, कहाँ पर लिया बेटा 1 माइनस x का सम, वो क्यूब की बात कर रही है मैम, वो स्क्वायर की, इनफाइनाइट जीपी का सम आपने यहाँ पे कैसे लिया, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा, अगर एग्जिस्ट करता है तो यही होता है ना, a अपॉन 1 माइनस r, मैम ये नहीं, यहाँ येलो पोर्शन राइट साइड में, ये तो मैंने बस लिख दिया, इसको मैंने ये लिखा है, तो 1 माइनस x इनटू s की वैल्यू 1 बाय 1 माइनस x होगी, तो s की वैल्यू मैंने इसको नीचे भेज दिया, यस मैम, ओके मैम, ठीक है, n टर्म्स के लिए करोगे क्या, करके देखो एक बार खुद कॉपी में, अब ये तो इनफाइनाइट के लिए देख रहे थे हम लोग, अब n के लिए देख लो, भाई ये पीछे जो टर्म्स आपकी थी ये इनफाइनाइट टर्म्स थी, अब मान लो मैं n टर्म्स के लिए बात कर रही हूँ, कुछ नहीं है वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं है, बट कर लो भाई, 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x² अब तू आपने क्या ले लिया, n टर्म्स तक ले लिया, ठीक है, अच्छा n टर्म्स तक आपने ले तो लिया, क्या आप nth टर्म लिख नहीं सकते क्या इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके, क्या होगी, देखो 1 2 3 4 तो चल रहा है, तो n में n आएगा, अच्छा x की पावर 0 x की पावर 1 2 3 मतलब x की पावर एक कम दिख रही है तुम्हें जो आगे नंबर जुड़ा हुआ है उससे, तो मैं लिख सकती हूं n - 1,
समझ आई ये चीज, मैंने लिख दी है ना लास्ट टर्म आपकी, या nth टर्म जो बोलते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। काम वही करना है, बस एन टर्म के लिए करना है। देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स आएगा, इधर 2x² आएगा, इधर 3x³ आएगा, इधर 4x4 आएगा, चलता जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा, nx की पावर n। एक बात बताओ, देखो पहले हम देख लेते हैं कि हम इन सबको x से मल्टीप्लाई करें, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन, यही आएगा। अब तुम्हें इतना पता है कि मैंने एक एक टर्म आगे सरका है, मतलब ये जो टर्म है ये तो यहाँ आएगा ना, इसके नीचे तो नहीं आएगा, ये इसके नीचे नहीं आएगा, तो इससे पिछली टर्म क्या हो जाएगी, nx की पावर nx की पावर नहीं n माइनस वन। एन माइनस वन भी तो होगा ना, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, समझ आया। हाँ ठीक है, इससे पिछली टर्म होगी। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, तुमने सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट कर दो किया है। सब्ट्रैक्ट, सब माइनस कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 - x इनटू ऐसे बचेगा, ये बनेगा 1 + x + x² + x³ + x4 अप टू, अच्छा यहाँ माइनस करोगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा सिर्फ। n-1 भाई इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या सिर्फ यही बचेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन। भाई हाँ यस करके देख लो ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन में से तुम माइनस कर रहे हो क्या, ये इसको खोल लो एक तो बार माइनस लगेगा ना लेकिन। एन, रुको बेटा मैं बताती हूँ, एक्स की पावर एन माइनस वन खोल लिया, अब तुम माइनस जब अंदर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, समझ आया। ठीक हाँ यस मैम। हाँ है, अच्छा प्लस माइनस एन एक्स एन तो एज इट इज है। ठीक है, अब इतना बताओ यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स थी, एन मैम माइनस वन। एन माइनस वन, वैसे देख लो ना, यहां से लेकर टोटल एन टर्म्स थी, उसमें से तुमने एक छोड़ दी तो कितनी बन गई, एन माइनस एन वन माइनस वन टर्म्स, तो एक्स यहां की से लेकर पावर यहां तक एन। ये एन माइनस वन टर्म्स हैं। यस मैम। हाँ ठीक है, लेकिन देखो ये पूरा तुम्हारा जीपी बन रहा है, तो मैं वन को ले लूं तो भी जीपी तो बन ही रहा है, वन को क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग, ले यस लो मैम। इसको हाँ भी, कॉमन रेंज होते इसको हैं। भी ले लो, तो ये टोटल टर्म्स फिर एन हो जाएंगी, ये सारी ले लो, टोटल एन टर्म्स हो गई, ये सारी ले लो, ये टर्म्स होगी एन, और ए की वैल्यू है 1, और इनका सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा, फाइनाइट टर्म्स है, सम क्या, सम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए इंटू आर की ए पावर एन अपॉन माइनस वन अपॉन वन आर माइनस पर आर साथ। माइनस वन। तो देखो क्या हो जाएगा, यस ए मैम। की, ए की वैल्यू तो 1 ही है, अच्छा आर की पावर एन मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन, और एक ये एज इट इज पड़ा, इसको लिख ही दो, यही बन गया। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, 1 - x इंटू एस की आई है। ठीक है, आपको एस एस की वैल्यू चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में, या तो इसको एक्स इधर ले आओ, माइनस ये क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा, या तो माइनस कॉमन ले लो, समझ रहे हो ना, ये सेम नहीं है, देखो 1 - x और x - 1 अलग अलग है, नहीं समझ आया, मतलब मैं थोड़ा हवा में बोल एफ देती हूँ को ना, ले तुम्हारे सर लो। के ऊपर से जाती बात, मैं क्या कह रही हूँ, तुम थोड़ा सेम बना लो इसको ताकि तुम मल्टीप्लाई कर सको, ये 1 - x ये x - 1, एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, 1 - x s इज इक्वल्स टू, जब मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूंगी तो क्या बनेगा, 1 - xn, और नीचे क्या बन जाएगा, वो माइनस में नीचे घुसा देती हूँ, 1 - x बन जाएगा। ठीक यस मैम। यस है, -xn(x)n, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - xn अपॉन में 1 - x² - nxn अपॉन में 1 - x, बताओ समझ आई। ठीक है, काम वही किया है पीछे वाला, बस हमने क्या कर लिया, n टर्म्स के लिए कर लिया, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया, पिछली बार इनफाइनाइट जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे थे तो a अपॉन 1 - r वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, बट इस बार हम फाइनाइट जीपी वाला लगा रहे हैं तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, चलो आगे। मैं ए पर मैम फॉर्मूला लिख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लिखा है, अरे ओम बेटा ये कहीं नहीं यूज करना, बस यस मैम अंडरस्टैंडिंग के हो लिए है, तुम लगाओगे भी नहीं ये फॉर्मूला, ये तो मुझे और मुश्किल लगता है, इस फॉर्मूले को तो कौन क्या ही लगाएगा,
देखो तुम क्वेश्चन पे आओ, एक बार क्वेश्चन लिखो। देखो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना है, सम टू इनफाइनाइट सीरीज। दे क्या रखा है, 1 + 2/3। देखो किसी बच्चे को भी पीछे डाउट हुआ है ना कुछ समझने में, वो इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। 14/3 की पावर 4 जब बता रहा है। इसको देखो पहले, ये ना तो सिंपल एपी है ना सिंपल जीपी है, बट तुम्हें क्या दिख रहा है, 1, 2, 6, सॉरी 1 तो देखो, 1 तो कुछ नहीं बनाएगा, 1 को बाहर रखो, 1 नहीं बना रहा कुछ, कोई नहीं हम इसको देखते हैं। 2, 6, 10, 14, क्या ये न्यूमिनेटर नंबर्स? एपी बना रहे हैं और डिनोमिनेटर जीपी। हाँ जीपी हाँ मतलब 2, 6, 10, 14 तो एपी बन रहा है, और 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 4 आपका क्या बन रहा है, जीपी। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ये जीपी वाला है कॉन्सेप्ट। जैसे ही तुम्हें समझ आ गया, हाँ बोल तो बोलो। मैम 1 की मैम 1/3 में 3 की पावर 0 भी तो दे सकते हैं। हाँ पर वो एपी में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना ओम बेटा। मैम जीपी में तो कर देगा। नहीं बट हमने जो प्रोडक्ट पढ़ा था याद हो तो, तुमने एपी जीपी मल्टीप्लाई करा था, तो उसमें एपी और जीपी वाली टर्म साथ साथ थी ना। हाँ इसमें तो देखो ये तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, बट इसको हमें सॉल्व करना आता है, हम सीख के आए। कोई नहीं, हम इसका सम निकाल लेते हैं, उसमें एक ऐड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग देखो यहाँ से शुरू करेंगे, हम निकालेंगे ये 2/3 + 6/3 स्क्वायर + 10/3 क्यूब + 14/3 4। अब तुम बताओ पहला स्टेप हम क्या देखते थे, कॉमन रेशियो कॉमन ऑफ रेशियो। जीपी कॉमन रेशियो क्या है, क्या कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो देखो 1/3, वन बाय थ्री थ्री वन स्क्वायर बाय थ्री आएगी मैं ना। 1/3। हाँ 1/3 है, 1/3 है तुम्हारी आर की वैल्यू। तो तुम क्या करते थे फिर, एस को 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिखते थे, लेकिन लिखते इस तरीके से थे कि एक स्टेप आगे से अपनी टर्म्स लिखना शुरू करते थे, राइट। तो पहली यस मैम टर्म ये है, इसमें तुम 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2/3 स्क्वायर। 2/3 स्क्वायर सेकेंड ये है, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6/3 क्यूब। 6/6 क्यूब इसमें क्या आएगा, 10/3 की टेन बाय पावर टेन थ्री बाय फोर थ्री फोर बहुत है इतना, ठीक है काफी है। उसके बाद क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट। तो s − 1/3s = 2/3, तो एज इट इज आ जाएगा। 6/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 4/3 स्क्वायर। 4/3 क्यूब यहाँ क्या बनेगा, 4/3 क्यूब। यहाँ4/3 क्यूब क्या बनेगा, 4/3 4, ठीक 4/3 है चलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या है देखो, s − 1/3s कितना हो जाएगा, 2/3s = 2/3। अच्छा 2/3, 2/3 देखो, अब 2/3 भी तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा, 2/3 तुम्हें बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कॉमन लो, 4 कॉमन लो, एक बार अंदर बच गया 1/3 स्क्वायर। ये प्योर जीपी बन गई तुम्हारी, बन गई कि नहीं बन गई, यस मैम यस मैम। और इनफाइनाइट जीपी बनी है, ठीक है इनफाइनाइट जीपी बनी है। सम वाला फॉर्मूला लगा दो, 2/3s = 2/3 + 4। रेशियो क्या है, 1/3। मैम यहाँ पे आपने 2/3 मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई नहीं किया कौन सा बेटा, s − 1/3s था, एलसीएम लोगे ना तो 3s − s, तो ये 2s/3 आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। तो क्या कह रही थी मैं, ये तुम्हारी जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/(1 − r), r की वैल्यू 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, a क्या है तुम्हारा, 1/3 स्क्वायर अपॉन में 1 − r, ये बनेगा, ठीक लिखा है, ठीक है। 2/3s = 2/3 + 4, इसको सॉल्व कर लो क्या बनेगा, देखो 1/3 स्क्वायर * 3/2, यही बनेगा, ये तो गया एक, ठीक है। और इसको ओपन करोगे जब, तो 4 2 से काट दो तो 2 बचेगा, तो 2/3 बचेगा अल्टीमेटली, ये 2/3 + 2/3। तो 2/3s की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4/3, और ये s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, यस मैम ठीक है। क्लियर आ गया, अभी आया अप्लाई करना क्वेश्चन में, यस मैम
मतलब तुम्हें इतना तो चमक ही गया होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं अल्टीमेटली जाके ये जीपी बन रहा है नीचे, या आईपी बनेगा, कुछ तो बनेगा। ठीक है, वहां से फिर हम सम वाला फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16, 16 की पावर 1/32। ठीक है, अब ये सीरीज नहीं है, सीरीज में तो प्लस का साइन होता है, तो बनाओ भाई पहले इसको, क्या लिख सकते हो इसको? 2 की पावर 1/4, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/8, तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर, बोलो, 1/4 1/4 मत लिखो, अभी तुम्हें पता चलेगा ऐसा क्यों करना है, 2/8 ही रखो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, उसकी पावर 1/16, तो 2 की पावर 3/16, ठीक है, 16, 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4/32। 4/32 ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या आ गया? 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32। अब तुम्हें ना जो पढ़ के आए हैं वो यहां लगता दिखाई देगा, वन टू इसमें ऊपर थ्री वाली चंद फोर तो एपी एपी में में, है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 जीपी में। किसमें है? जीपी में। तो हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं, इसका सम हम निकाल सकते हैं, जो भी आएगा 2 की पावर में रख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। एस इज इक्वल टू है 1/4, 2/8, 3/16, 4/32 + 100, चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 1/2, आर की वैल्यू है 1/2, तो तुम क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? एस को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो 1/2 S, सारी टर्म्स को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बट एक स्टेप आगे से लिखना है, तो जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 बनेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/16 बनेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/32 बनेगा।32 अब क्या करोगे? माइनस, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ हो गया एस माइनस हाफ एस इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज है, 1/8 आएगा इसके बाद। हाँ, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 1/32 चलता जाएगा। अब ये एपी बन रहा है ना, एपी बोल रही हूँ, जीपी बन रहा है? जीपीएस यस मैम। मैम, हाँ ये पूरा ही जीपी बन रहा है इस बार, दो यस मैम, प्योर जीपी बन रहा है। ये मतलब ये वाली टर्म भी कंट्रीब्यूट करे ना, जब पीछे वाले में अपना ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था 2/3, तो हमने नहीं लिया था, इसमें तो कर रहा है ये कंट्रीब्यूट। यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये क्या यस, है? जीपी बन रही है, इसको तुम क्या लिखोगे? ए अपॉन 1 - r, इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो क्या है इसमें? 1/2, तो ए है आपका 1/4 अपॉन 1 - r है 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/4 × 2/1, तो ये 1/2 बन गया, तो बेसिकली एस माइनस हाफ एस की वैल्यू आ गई 1/2, तो इसको सॉल्व करो एलसीएम लो, S/2 की वैल्यू आ गई 1/2, एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1, अगर एस की वैल्यू 1 है तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 1, तो आंसर कितना हो गया? 2 की पावर। क्लियर है यस मैम। मम्मी, 1/2 के बाद आपने क्या बोला? कौन सा 1/2 बेटा? मैम यहाँ पे जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करके 1/2 आया, तो आपने हाँ, 2 की पावर 1/2 ली। तो मैंने s माइनस हाफ s 1/2 के इक्वल आ गया, इसको क्या लिख सकते हो? 2s - s, ये 1/2 s के इक्वल है, एलसीएम लोगे तो 1/2 s मेरा 1/2 के इक्वल आ गया, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल। दैट मींस यस ये जो मैम। ऊपर s क्या था, हमने इसको सम इसका सम किया ना, ये s के इक्वल था, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, तो आंसर क्या होएगा? 2 की पावर 1। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट नोट करो, आसान लगने चाहिए तुम्हें क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इफ आरथ टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2r + 1, 2 की पावर - r, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब देखो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन सेम है बट इन्होंने इस बार तुम्हें सीरीज टर्म्स लिख के नहीं दी, राइट? तुम लिख सकते हो टर्म, तो T1, T2, T3 सब कुछ लिख सकते हो,
इन्होंने टी आर दे रखा है तुम्हें क्या, टू आर प्लस वन टू की पावर माइनस आर, ठीक है, मतलब इसने ये दे रखा है टू आर प्लस वन अपॉन में टू की पावर आर। टी वन लिख सकते हो, आर की वैल्यू वन डाल दो कितना हो जाएगा थ्री बाय टू। टी टू लिख सकते हो फाइव बाय फोर। टी थ्री लिख सकते हो सेवन बाय एट। बहुत है, इतना ही काफी है, आगे मत जाओ। ठीक है, तो बेसिकली हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, थ्री बाय टू प्लस फाइव बाय फोर प्लस सेवन। ऊपर वाली एपी बन रही है ना, ऊपर एपी बन रहा है, वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय एट जीपी में है कि नहीं। ठीक है, वही बात, अगर ये एस के इक्वल है तो कॉमन रेशियो क्या है, वन बाय टू है ना। यस मैम। ये कितना हो जाएगा, इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री बाय फोर, ये कितना, ये वाला कितना हो जाएगा फाइव बाय एट। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो एस माइनस वन बाय टू एस कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दू फिर तुम्हें जीपी बनती दिखाई नहीं देगी, एपी जीपी जो भी बन रहा होगा, एक बार के लिए तो वैसे ही लिख लो, टू बाय फोर सेवन माइनस फाइव टू बाय एट। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए, ये तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, इसको तो तुम्हें बाहर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, थ्री बाय टू को बाहर रखो, यहाँ से तुम टू कॉमन ले सकते हो, टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा वन बाय फोर प्लस वन बाय एट। अब तुम समझ जाओ आगे, वैसे तुम एक दो टर्म और भी लिख सकते हो, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा, बट तुम्हें यहाँ से पता चली गया होगा जीपी बन रहा होगा। एक मिनट बेटा, आती हूँ मैं, टू ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो वन बाय टू है, तो वन बाय फोर अपॉन में वन माइनस आर मतलब वन बाय टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 by 4 into में 2 by 1, तो 1 by 2 कट ही जाएगा, 3 by 2 plus 1 बचेगा बस, तो s by 2 की वैल्यू आ गई 3 by 2 plus 1, s by 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 by 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 by 2 5 5 5। ठीक है, यस मैम, अब बताओ किसने हैंड रेज किया था, क्या प्रॉब्लम है मैम, गलती से हो गया। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा जिसको समस्या है इसमें? नो मैम। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो। कितने बजे तक होती है क्लास, 7 बजे तक? 7 o'clock। एट मिनट। वन प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू क्यूब प्लस 100 इंटू में टू की पावर 99। अब देखो, अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो इनफाइनाइट जीपी वाले केस बन रहे थे, अब फाइनाइट बनेगा, देखो फाइनाइट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। बताओ अब इसमें कैसे करोगे, 1 2 3 4 ये तो आपके एपी बना रहे हैं, ठीक है, और 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये जीपी बन रहा है, इसका मतलब ये ए जीपी वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एस इसके इक्वल है, कॉमन रेशियो 2 आएगा बेटा, जिसमें 2 ही आ रहा है, 100.2 20 299। कॉमन रेशियो 2 है तो तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखोगे, एक स्टेप आगे करके, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, अब तुम 8 मत करके लिखना, तुम पैटर्न देखो यहाँ तुम्हें कैसे लिखना है, 2.2 का स्क्वायर, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2.2 का क्यूब। ठीक है, ऐसी एक लास्ट और बता दो, देखो लास्ट तो क्या आएगी, इसमें एक बार मल्टीप्लाई करो 2, तो कितना आएगा, 100.2 की पावर 100। यस मैम। इससे पीछे वाली क्या हो जाएगी, 99.2 की पावर 99। ठीक है, हाँ ये पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन है। यस मैम, ये बन गया, अब क्या करना है, इसको माइनस करना है बस, s माइनस 2s करोगे तो माइनस s बनेगा, इज इक्वल्स टू 1 as it is। अच्छा 2.2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 2 कर रहे हो, फिर इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 0। रुको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है मैम, 2.1 0.2। नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको पैटर्न भी तो बनाना है ना, फिर तुम उलझ जाओगे आगे जाके। देखो 3.2 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूं, चलो एक बार लिख लो, एक बार इनको सबको लिख लो,
है 4.2³ माइनस 3.2³, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये है 100.2^99 माइनस 99.2^99, ये तो एज इट इज ही पड़ा है, इसका वैसे कोई काम नहीं है बट पड़ा है, ठीक है पढ़े रहने दो। अब देखो वन तो ठीक है, टू कॉमन लो, अगर तुम टू कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा वन, वैसे भी इसको तो तुम सिंपल सॉल्व कर लो, 2.24 - 2, 2 ही होता है, ठीक है टू, यहां से 2² कॉमन लो अंदर बचेगा वन, ठीक है, यहां से यस टू मैम, क्यूब कॉमन लोगे अंदर बचेगा वन, कुछ थैंक यू आ निकलता जाएगा। जाएगा, यहां से 2^99 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा वन, तो 2^99, ठीक है, और ये आपका अलग से पड़ा है, इसको पढ़े रहने दो, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो चीज है ये जीपी बन गई, यस मैम, अच्छा यस जीपी बन मैम, गई, इसका कॉमन रेशियो 2 है, और देखो फाइनाइट जीपी है ये, फाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हो तुम, 2^99 तक जा रहे हो, तो तुम्हें एन भी देखना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला यही लगाते हो ना, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में वन माइनस आर, तो एन देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मैम ये टू कॉमन के बाद समझ नहीं आया थोड़ा। टू कॉमन की बात, तो बेटा मैंने बताया नहीं कुछ, ये वाली लाइन तो आ गई होगी ना, रेड वाली, रेड वाली नहीं आई है, समझ, नो मैम, देखो मैंने कुछ नहीं किया, वन तो एज इट इज लिखा था, 2.24 होता है, 4 - 2, 2, ये मैंने सिंपल सॉल्व करके लिख दिया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, 2^2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 - 2, 3 - 2 होता है वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2^2 ही बच गया आंसर, यहाँ से मैंने 2^3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 4 - 3, 4 - 3 वन होता है, तो 2^3 ही आंसर बच जाएगा, सेम मैंने यहाँ से ओके मैम, ओके। 2^99 कॉमन ले लिया, तो मेरा वही बच जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बताओ भाई, हंड्रेड मैम 100 हाँ 100, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो तुम ये देख लो, वन को क्या लिख सकते हो, 2^0, तो 0 से लेकर जा रहा है 99 तक, तो 0 से 99 क्या हो गया, 100 टर्म्स होगी, ठीक है, तो एन 100 है, ए की वैल्यू 1 है, तो आर है 2, 2^100 माइनस 1 अपॉन में 2^100 माइनस 1, सॉरी 2 - 1, 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो गया, फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, माइनस 100 2^100, ये आ गया आपका माइनस एस का आंसर, ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैम, माइनस ऑफ 1 to 2 की पावर 100 - 3। प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 100 की पावर 100 × 2^100, ठीक है, इन दोनों को पेयर करके 2^100 कॉमन ले लेना, ठीक है, जैसे ही 2^100 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या, 100 - 1 मतलब 99 × 2^100 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है, यस यस मैम, यस मैम, और मन है करने का, नो मैम, हाँ तो कभी बोलते ही नहीं हो, किसी का भी नहीं है, कोई तो बोलो हाँ, वैसे ही बोल दो, नो मैम, अच्छा अभी बताओ, लेक्चर में कोई डाउट है, समझ आ गया सारा,